हेलो भाई लोगों, मैं हूं बापू। आज हम एस्प्रेसो को टोटल कन्वर्ट करने वाले हैं ऑफ रोडिंग वाले एस्प्रेसो। झूठ बोल रहा है गाइस। तो हाँ गाइस, इसको अच्छे से देख लो क्योंकि आगे जो एस्प्रेसो निकल आएगा ना, आप कभी सोची ना होगी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो भाई आपके एक रिक्वेस्ट है, तो जल्दी से चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। अरे भाई, भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो यार। तो गाइस, पहले हम मारुति जिमी का ग्रिल लगा देते हैं और उसका बम्पर भी लगा देते हैं, तो थोड़ा इस क्या रगर लुक के निकल आता है। तो नेक्स्ट इसका अलॉय व्हील लगाते हैं, वो मारुति जिमी का भी अलॉय व्हील है। तो उसके बाद हम जो मारुति जिमी का एक्सेसरी में आता है ना, उसका क्या बोलते हैं मडगार्ड लगाते हैं, थोड़ा रगड़ लुक निकल के आने के लिए। उसके बाद उसको छत को ड्यूल टन कलर कर देते हैं और फुट स्टेप भी लगाएंगे और पीछे की भी मडगार्ड लगा देते हैं, थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। और उसके बाद फुट स्टेप इंस्टॉल करते हैं, फुट स्टेप क्योंकि गाड़ी ऑफ रोडिंग होने वाला था, थोड़ा ऊँचे हो जाएगी। और उसके बाद ये भी काले काले सा लगा देते हैं, थोड़ा रगड़ लुक निकल के आएगा क्योंकि ऑफ रोडिंग का गाड़ी है ना, तो रगड़ लुक चाहिए। और इसका छत को थोड़ा लंबी कर देते हैं क्योंकि जो स्पॉइलर भी थोड़ा उसमें एडजस्ट हो जाएगा, और स्पॉइलर तो देखे कितना लुक क्या आता है, ख़तरनाक वाला लुक आ रहा है। उसके बाद इसका बैक साइड भी टोटल चेंज करने वाले हैं, लाइट सेटअप टोटल चेंज करने वाले हैं और रियर बम्पर भी लगा रहे हैं जिम्मी का। गाइस रियर स्टेपिंग लगा देंगे, कैसा लगा देखते हैं कैसा लुक आ रहा है भाई, वो तो गजब का लुक आ रहा है, ख़तरनाक वाला लुक आ रहा है। ऑफ रोडिंग गाड़ी है ना, कहाँ पर पंक्चर हो जाएगा तो ये काम आ जाएगा। तो चलो उसको भी इंस्टॉल कर देते हैं, थोड़ा एडजस्टमेंट कर देते हैं। भाई क्या लुक निकल कर आ रहा है भाई, खतरनाक गजब लुक, कहीं से ये एस्प्रेसो लग रहा है, कैसा लग रहा है थोड़ा कमेंट करके बताइए। One hour later, रुको जरा सबर करो। भाई मजा आया, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।